method, the name of the method is Hayes method. Okay, now the principle is very simple. The biosol have a property. ठीक है, ये क्या करता है, जो सरफेस टेंशन होता है उसको डिक्रीज करता है. ठीक है, सी इट इज रिटन हियर, बायोसॉल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग द सरफेस टेंशन. तो अगर सरफेस टेंशन लो हो गया, डिक्रीज हो गया, तब क्या होगा, व्हेन वी ऐड, ठीक है, व्हेन वी ऐड सल्फर पाउडर. सी इन द इन दिस स्टेज वी यूज सल्फर पाउडर. ठीक है, इन हेज मेथड द रिक्वायरमेंट इज टेस्ट ट्यूब, देन योर सैंपल. For control, we use distilled water and sulfur powder. This much only. Okay, don't forget. Test tube, sample, that means urine sample. For control, we use water, distilled water. And lastly, we need the sulfur powder. So, all know that biosol have a property to lowering the surface tension. That means it decrease the surface tension. When we add sulfur powder in a sample, okay? Agar उस सैंपल में बायोसॉल्ट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इट सिंक टू द बॉटम, बॉटम में बायोसॉल्ट सिंक होगा. ठीक है, अगर उस सैंपल में बायोसॉल्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो सल्फर पाउडर हम लोग डालेंगे वो फ्लोट करेगा ऊपर में. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव. इन केस ऑफ पॉजिटिव केस द सल्फर पाउडर विल सिंक बॉटम डाउन, दैट मीन्स, एंड इफ will get the negative result that the sulfuric powder will float the upper portion of the test tube. This much only. Okay? Just remember, biosol have a property of lowering the surface tension of the fluid. Then, if the biosol is present in that sample, the sulfur powder which were added to the urine sample in the test tube, the sulfur particles will sink at the bottom of the test tube. Okay? In normal case, in case of normal individual, the sulfur powder doesn't sink. Okay? It floats on the surface of the fluid. This is clear? Yeah, I have to repeat again. Again, ma'am. I think Hindi is comfortable for you people? Yes, ma'am, Hindi. Okay, ठीक है. तो मेथड का नाम है हेस मेथड. ठीक है, हेस मेथड से हम लोग जो यूरिन में बाइल सॉल्ट है वो डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउ वी कम टू प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होगा, बाइल सॉल्ट का एक कैपेसिटी है, प्रॉपर्टी है. ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन होता है उसको लो करते हैं, डिक्रीज करते हैं. ठीक है, अगर किसी सैंपल में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, अगर हम लोग वहां पे सल्फर पाउडर दे देंगे, एड करेंगे उस सैंपल में, तब अगर बायोसॉल प्रेजेंट है उस सैंपल में, तब क्या होगा, जो सल्फर पाउडर हम लोगों ने ऐड किया था उस सैंपल में, वो सल्फर पाउडर बॉटम में जमा होगा. ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जमा होगा, लेकिन सिंक होगा. अगर बायोसॉल प्रेजेंट नहीं है वहां पे, जब सल्फर पाउडर हम लोग डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, तब वो फ्लोट करेंगे. ठीक है, फ्लूइड के ऊपर में फ्लोट करेंगे, वो सिंक नहीं होगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव. नाउ प्रोसेसर मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है, बट फिर भी सी दिस वन. ओके, सी फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 to 5 ml ऑफ यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब. आफ्टर दैट वी एड सल्फर पाउडर ऑन द सर्फेस ऑफ द यूरिन. ठीक है, बट वन थिंग रिमेम्बर, फॉर एनी टेस्ट, सब टेस्ट के लिए हम लोगों को एक पॉजिटिव कंट्रोल लेना पड़ता है. ठीक है, और एक निगेटिव कंट्रोल लेना पड़ता है हम लोग कंपेयर करने के लिए. इन केस ऑफ बाइल सॉल्ट हम लोग क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, यूरिन जो सैंपल है, यूरिन सैंपल नहीं लेके हम लोग क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे वहां पे. ठीक है, दैट एक्ट एज ए नेगेटिव कंट्रोल, और दोनों से नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे कंट्रोल. ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे. तो नाउ फर्स्ट फॉर टेस्ट सैंपल, फर्स्ट वी हैव टू टेक 2 to 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल इन टेस्ट ट्यूब. After that, we have to add sulfur powder on the surface of the urine. If the powder sink down to the test tube, it indicate the presence of bile salt in the urine. This much only. हम लोग पहले 2 to 5 ml urine sample लेंगे test tube में, उसके बाद हम लोग वहां पे sulfur powder add करेंगे. अगर sulfur powder directly जाके bottom में जमा होगा, तब हम लोग को पता चलेगा उस sample में bile salt present है.
और अगर सरफेस पे फ्लोट करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा बाइल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स दैट सैंपल इज निगेटिव फॉर बाइल सॉल्ट। ठीक है, एंड सी दिस पिक्चर, सी दिस इज कंट्रोल। ठीक है, हम लोग सल्फर पाउडर डालने के बाद सरफेस में ही है पाउडर, बॉटम में नहीं है, बॉटम इज क्लियर। बट सी दिस वन, दिस इज ए पॉजिटिव टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट। ठीक है, सल्फर पाउडर डालने के बाद जो सल्फर पाउडर हम लोगों ने ऐड किया था तो बॉटम में जमा हुआ है। इट इंडिकेट्स इट माइट बी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। ठीक है, अगर बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट किसी पेशेंट को हम लोग को मिलेगा तो उस पेशेंट माइट बी सफरिंग फ्रॉम द जॉन्डिस। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग को इस तरह का सैंपल मिलता है, ठीक है, आफ्टर सल्फर पाउडर ऐड करने के बाद अगर ऐसा मिलता है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव फॉर बाइल सॉल्ट। ओके, एंड इट एक्ट एज ए कंट्रोल। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सैंपल लेना है हम लोग को टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ वहां पे सल्फर पाउडर ऐड करना है। ठीक है, सल्फर पाउडर ऐड करने के बाद अगर सरफेस में ऐसे रहेंगे, ठीक है रुको, अगर सल्फर पाउडर ऐड करने के बाद अगर सरफेस में फ्लोट करेंगे पाउडर, दैट मीन्स दैट इज नेगेटिव फॉर बाइल सॉल्ट। और सल्फर पाउडर ऐड करने के बाद अगर सल्फर पाउडर बॉटम में जमा होगा, सिंक होगा, दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव फॉर द बाइल सॉल्ट, दिस मच ओनली। ठीक है, बट प्रिंसिपल इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेम्बर बाइल सॉल्ट हैव ए प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। तो क्या करते हैं वो लोग, दे लोअरिंग द सर्फेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड का सर्फेस टेंशन होता है वो डिक्रीज कर देता है, लो कर देता है। इसी लिए जब सल्फर पाउडर हम लोग ऐड करेंगे वहां पे तब वो पाउडर जाके बॉटम में जमा होता है। ठीक है, नॉर्मली सल्फर पाउडर फ्लूइड में सिंक नहीं होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एज ए कंट्रोल जो डिस्टिल वाटर लिया है उसके ऊपर में अगर हम लोग सिर्फ पाउडर सल्फर पाउडर ऐड करेंगे तब वो बॉटम में जमा नहीं होगा, जिसमें सिंक नहीं होगा नॉर्मली। और इन केस ऑफ जॉन्डिस पेशेंट और पॉजिटिव केसेस व्हाट विल गेट, जो सल्फर पाउडर हम लोग डालेंगे टेस्ट ट्यूब में वो डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा होगा, दिस मच ओनली। ओके, जस्ट रिमेम्बर नेम ऑफ द मेथड इज हेस मेथड। हेस मेथड इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ बाइल सॉल्ट। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बाइल सॉल्ट? मैंने तो बोल दिया है पे बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट क्या है एक्चुअली? पता है? डोंट नो, प्लीज चेक। ओके, बाइल सॉल्ट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइल एसिड। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर बाइल सॉल्ट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइल एसिड। देयर आर सम एग्जांपल लाइक कॉलिक, डीऑक्सीकॉलिक, ओके एक्सेट्रा, दे कंबाइन विद ग्लाइसिन एंड टोरिन टू फॉर्म द बाइल सॉल्ट। जस्ट रिमेम्बर bile salt are composed of different kind of bile acid. Okay, and example of bile pigment is bilirubin and biliverdin, we'll discuss in the next slide. Bile salt is clear. What is the name of the method? Okay, Hayes method. Okay, Hayes method. Just now someone left the meeting, I think they can join now. Hundred press this one only, no? Okay. 101. Okay, ठीक है. So, bile salt is clear? Yes, ma'am. Okay. Others? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द बाइल पिगमेंट। मैंने ऑलरेडी बोला पिगमेंट दो है, एक है बिलीरुबिन और दूसरा है बिलीवर्डिन। ठीक है, सो द नेम ऑफ द मेथड इज फॉसेट्स टेस्ट और फॉसेट्स मेथड।
मेथड का नाम प्लीज याद रखना हाँ, सबका, रिड्यूसिंग सुगर हो, प्रोटीन हो, सबका मेथड का नाम याद रखना है तुम लोगों को। तो बाइल पिगमेंट के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है फॉसेज रिएजन, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल, सो बाइल पिगमेंट एडहेर टू द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो यहाँ पे क्या होता है, जस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड जो सल्फेट प्रेजेंट होगा यूरिन में, उसके साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा बेरियम सल्फेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग फॉसेज रिएजन ऐड करेंगे तब हम लोग देखेंगे, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स अगर बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द सैंपल, कलर चेंज होगा, ठीक है। तो कलर चेंज होने से पता चलेगा ओके बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द सैंपल। तो दिस मच ओनली प्रिंसिपल याद रखना, यहाँ पे बाइल पिगमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो बेरियम सल्फेट हम लोग ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे सैंपल में, बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद जो सल्फेट वहां पे प्रेजेंट होगा यूरिन में, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे और कॉम्प्लेक्स का नाम होगा बेरियम सल्फेट कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग फॉसेज रिएजन ऐड करेंगे तब सिर्फ कलर चेंज होगा। अगर कलर चेंज होता है तो हम लोग बोलेंगे ओके दिस इज पॉजिटिव फॉर अ बाइल पिगमेंट, अगर कलर चेंज नहीं होता है दैट मीन्स दैट इज नेगेटिव फॉर अ बाइल पिगमेंट। दिस मच ओनली। नाउ प्रोसीजर, फर्स्ट वी हैव टू टेक 5 ml ऑफ यूरिन, उसके साथ हम लोगों को बेरियम क्लोराइड ऐड करना है। बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद फिल्टर करना होगा हम लोगों को यूरिन, और जो बेरियम क्लोराइड का मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है उसको हम लोग फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर में। आफ्टर फिल्टर हम लोग क्या करेंगे, जो फिल्टर पेपर यूज किया था वो फिल्टर पेपर को ड्राई होने के लिए देंगे। ड्राई होने के बाद फिल्टर पेपर में हम लोग फ्यू ड्रॉप्स फॉसेज रिएजन देंगे। प्रिपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है फेरिक क्लोराइड, 10% फेरिक क्लोराइड एंड 25% TCA। TCA मीन्स ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ओके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड TCA। तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द फॉसेज रिएजन। ड्राई होने के बाद फिल्टर पेपर में हम लोग फॉसेज रिएजन देंगे, और फॉसेज रिएजन देने के बाद अगर कलर चेंज होता है दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव फॉर द बाइल पिगमेंट, और कलर चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स दैट इज नेगेटिव फॉर द बाइल पिगमेंट। तो कलर चेंज कैसे होता है, ग्रीन कलर होगा ठीक है, और ब्लूइश ग्रीन टाइप का होगा दैट मीन्स वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। अगर येल्लो, लास्टली येल्लो फॉर्मी होगा कलर आफ्टर फ्यू टाइम्स, दैट मीन्स वहां पे बिलीरुबिन प्रेजेंट है दैट मीन्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ बाइल पिगमेंट वन इम्पोर्टेंट थिंग, जो मैंने बोला यहाँ पे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर अ बाइल पिगमेंट, ओके आर एग्जांपल ऑफ द बाइल पिगमेंट। द कलर ऑफ द बिलीरुबिन इज येल्लो, ठीक है, और येल्लो इज ग्रीन, देन बिलीवर्डिन इज ग्रीन इन कलर, दैट इज द कलर ऑफ द पिगमेंट, ठीक है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द ऑक्सीडेशन फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन इज बिलीवर्डिन, ठीक है। तो हम लोग को अगर बिलीवर्डिन दैट मीन्स हम लोग को अगर ग्रीन कलर मिलेगा देन ऑल्सो वी कैन से दैट दैट सैंपल इज पॉजिटिव फॉर द बिलीरुबिन, ठीक है। अगर बिलीवर्डिन है वहां पे तो बिलीरुबिन हम लोग को मिलेगा। नॉर्मली इट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ अगर पेशेंट का जॉन्डिस होता है देन ओनली हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा फॉर बाइल पिगमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बाइल पिगमेंट बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बाइल पिगमेंट के लिए जो हम लोग मेथड यूज करेंगे उस मेथड का नाम है फॉसेज रिएजन। फॉसेज रिएजन में प्रिंसिपल क्या है, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, दिस मच ओनली, ठीक है। ऑक्सीडेशन तो सॉरी प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे 5 ml, उसके बाद वहां पे बेरियम क्लोराइड डालेंगे। बेरियम क्लोराइड डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिल्टर करेंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर में फिल्टर करेंगे। और फिल्टर पेपर जो हम लोग यूज किया था फिल्टर करने के लिए उसको हम लोग ड्राई होने के लिए देंगे फॉर फ्यू मिनट्स। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोग वहां पे फॉसेज रिएजन ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। फॉसेज रिएजन ऐड करने के बाद अगर कलर चेंज होता है तो हम लोग को पता चलेगा दैट इज पॉजिटिव फॉर बाइल पिगमेंट, दिस मच ओनली, ओके। आई विल सेंड यू द वीडियो, देन आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। Okay, this is a different test. Okay, so now
If you have any confusion in bile salt and bile pigment, you can ask me. मैम ये बाइल पिगमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए ना मैम। ओके ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ बाइल. यस मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट? ओके दिस टू आर डिफरेंट थिंग. ओके एग्जाम्पल ऑफ बाइल पिगमेंट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवरिन. दीज आर पिगमेंट, दैट मीन्स कलरिंग प्रोडक्ट. यू ऑल नो आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिगमेंट. एंड बाइल सॉल्ट, bile salt are composed of, there are different types of, different kind of free bile acids are present, okay, in body. So bile salt are composed of different kind of free bile salt. Some examples like cholic acid, deoxycholic acid, okay, these are few example of the bile acid. So this acid combine with glycine and taurine, okay, to form bile salt. बाइल सॉल्ट जो बाइल सॉल्ट होता है, मतलब कंपोज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइल एसिड मिलके, ठीक है. एग्जांपल यहाँ पे है सपोज कॉलिक एसिड, डायऑक्सी कॉलिक एसिड, और एक था भूल गई मैं, देखना पड़ेगा. तो ये जो बाइल एसिड होता है ये सब कंबाइन होता है ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ, ठीक है. ग्लाइसिन एंड टॉरिन के साथ ये कंबाइन होके बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है. Just remember, pigment is pigment only. ठीक है, it is a coloring product. और bile salt is different thing. It is composed of the different type of bile acid. तो this is a difference between bile salt and bile pigment. ठीक, अगर किसी patient jaundice होता है ना किसी patient को, तो हम लोग urine का color देख के भी बोल सकते हैं, right? तो उन jaundice patient का urine का color कैसा होता है? Dark yellow type का होता है, right? तो ये dark yellow color कहाँ से होता है? कुछ पिगमेंट तो, कलरिंग प्रोडक्ट तो होना पड़ेगा, राइट? वहां पे दैट इज पिगमेंट, ठीक है. अगर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वहां पे है, दैट मींस वो कलर देता है. मैम वो स्किन का कलर भी बाल पिगमेंट की वजह से होगा शायद. किसका स्किन कलर जॉन्डिस लोग? हाँ 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 हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. ओके so for you people just remember the name of the method, okay. तो और requirement video में दे दूंगी, problem नहीं है, class के बाद video में दे दूंगी. procedure is very simple, okay, कुछ confusion नहीं है. bile salt में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ sample लेना है. sample लेने के बाद सिर्फ salt sulfur powder ही mix करना है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है. और यहाँ पे bile pigment में हम लोग पहले सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है, सैंपल में. तो बेरियम क्लोराइड ऐड करने के बाद उस सैंपल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर में. तो फिल्टर पेपर में जो रह जाएगा ना, आफ्टर सेडिमेंट वाला पार्ट ही चाहिए हम लोग को, सुपरनेटिन वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है. फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो हम लोग को नहीं चाहिए. जो फिल्टर पेपर में रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, उसमें हम लोग ड्राई होने के बाद फ्यू ड्रॉप्स फॉसेट रिएजेंट डालेंगे. और फॉसेट रिएजेंट डालने के बाद अगर वहां पे कलर चेंज होता है, कलर चेंज होने से हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है, उस सैंपल में दैट मीन्स बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है. दिस मच ओनली, प्रोसीजर इज वेरी सिंपल. सिर्फ मेथड का नाम याद रखो, प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. और हम लोग कैसे करते हैं सिर्फ इतना ही याद रखो. So this is all about your bile salt and bile pigment. I think it is clear for you. Video dekhna, video link de dungi main. So I think Eurobilinogen and maine PPT nahi banaya because ye already ho chuka hai, I think na. Yeah, I have to prepare again. It's up to you people. यूरोबिलिनोजेन के लिए पीपीटी बनाना है या होगा? नाजमा मैम ने ऑलरेडी दे दिया है ना. व्हाट हैपेंड? मैं बना रही हूं.